Okay, so handling a binary file using pickle. Okay, so first we install the pickle by using pip install pickle. Okay, is an object. Sir, screen नहीं दिख रही है. Screen नहीं दिख रहा है. 1 minute. दिख रहा है? यस सर. ठीक है, सो अब इसके लिए क्या करना है, पिकल सबसे पहले हमें इंस्टॉल करना है, पिप इंस्टॉल पिकल. ओके, अब ये इंस्टॉल करेंगे, मेरे इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है. ओके, इफ यू ट्राई टू इंस्टॉल द पिकल देन ओके, वो ऑलरेडी इंस्टॉल था इसलिए आपको मैसेज आ रहा है. नाउ पिकल क्या करता है? ओके, सो पिकल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स ऑब्जेक्ट्स इनटू द बाइट्स. बाइट्स का मतलब है कि हमें पता है कि बाइनरी फाइल क्या सेव करती है, इट सेव्स इन द फॉर्म ऑफ वन और जीरो. ठीक है, डेटा किस फॉर्म में सेव होता है? वन और जीरो के फॉर्म में सेव होता है. ओके, तो सपोज हमारे पास कोई स्ट्रिंग है या लिस्ट है, सपोज कुछ भी है. ओके, उसको हमें किसी बाइनरी फॉर्मेट में सेव करना है, तो पहले मुझे क्या कन्वर्ट करना होगा, उसको बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा. तो पिकल ऑब्जेक्ट क्या करता है, इट विल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इनटू द बाइट्स एंड देन इट विल सेव इनटू द फाइल. हमें कुछ अलग से फंक्शंस यूज करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज हमें क्या यूज करना पड़ता है, कुछ फंक्शंस यूज करने पड़ता है. ठीक है, सो सपोज फॉर एन एग्जांपल, नाउ अब हम लोग इसका एक प्रोग्राम बनाएंगे, सिंपल सा प्रोग्राम. ओके, सो प्रोग्राम हमें बनाना है हाउ टू यूज द पिकल टू लोड और टू द सेव पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. सो आपने किया फर्स्ट इम्पोर्ट पिकल. ठीक है, अब सपोज मुझे कोई कुछ भी सेव करना है, सपोज मेरे पास कोई लिस्ट है. ओके, लिस्ट इक्वल टू, मैंने लिस्ट बनाया 2, 3, 23, ओके 45, 56, ओके 9. अब इस लिस्ट को मुझे सेव करना है. ओके, सो टू सेव दिस लिस्ट इनटू द बाइनरी फाइल हम लोग क्या यूज करेंगे, पिकल यूज करेंगे. सो हमने पहले फाइल ओपन किया. ओके, जैसे नॉर्मली हम लोग करते हैं, बाइनरी फाइल हमने लिया यहाँ पर बी फाइल डॉट डेट, कुछ भी ले सकते हैं, डीएटी फाइल नेम. देन अब इसको किस मोड में ओपन करना है, नॉर्मल टेक्स्ट फाइल को हम लोग ओपन करते थे राइट मोड में. ओके, नाउ इट्स अ बाइनरी फाइल, सो वी यूज WB. ओके, राइट इन बाइनरी मोड. ओके, नेक्स्ट थिंग, जैसे हम लोग टेक्स्ट फाइल ओपन करते थे इन द सेम वे, वी आर ओपनिंग द फाइल. ओके, WB. अब हमें क्या करना है, यूज करना है, क्या यूज करना है, पिकल. सो अब हमें करना क्या है कि इस L को हमें राइट करना है, किसको, इस L को. ओके, इसमें F में राइट करना है. सो वहाँ पर हम लोग क्या यूज करते थे, F डॉट राइट. ओके, नाउ वी विल यूज पिकल, पिकल डॉट, ओके, डॉट डंप. ओके, कौन सा फंक्शन है, डम्प. डम्प मतलब इट विल डम्प, मतलब फेंक दिया बस उठा के ऐसा. ठीक है, सो पिकल डॉट डम्प किसको फेंकना है, एल को फेंकना है. कहाँ पर फेंकना है, एफ के अंदर फेंकना है. ओके, सो पिकल डॉट डम्प एल, एल मतलब द लिस्ट. ओके, लिस्ट इसको कहाँ पर फेंकना है, एफ के अंदर फेंकना है. वी कैन से लोड या डम्प L into F. Okay, dump कर दिया. Now we just close it. F dot close. Okay, इसको run करते हैं. Program आपका run हुआ. Now we'll check the B file. Okay, so if we open the B file, okay, B file dot date. Okay, इस file को हम लोग open करेंगे. Okay, यहाँ पर error आ रही है. बिकॉज वी आर ओपनिंग इन जुपिटर, सो नाउ इसी बी फाइल को हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं जहाँ पर वो बनी हुई है. ठीक है, इफ यू ओपन दिस फाइल देन ओपन विथ नोट पैड देन वील सी सम बाइनरी लैंग्वेज. ठीक है, क्या मिला, बाइनरी, इट्स नॉट ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, बिकॉज आपके पास जो 1000 जो के स्ट्रीम है उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया इसने,
ये टेक्सचुअल फॉर्म में दिखा रहा है, कुछ भी जो भी इनकोडिंग यूज हो रही है उसके अकॉर्डिंग ये क्या दिखा रहा है, पर्टिकुलर कैरेक्टर सिंबल्स दिखा रहा है, ठीक है। सो अब अगेन मुझे इस फाइल को क्या करना है, उस कंटेंट देखना है, ओके। सो टू सी द कंटेंट अगेन, अब इस फाइल को हम लोग क्या करेंगे, फिर से प्रोग्राम बनाएंगे, ओके, सेम प्रोग्राम। ये तो हो गया डंप, अब रीड करने के लिए प्रोग्राम बनाना है। सो टू रीड द प्रोग्राम, हमें फाइल को किस मोड में ओपन करना है, आरबी, ठीक है। कौन सा मोड हो जाएगा, राइट बाइनरी फॉर्म, ओके। सो अब यहाँ पर इन द लास्ट हम लोग क्या यूज करते थे, इन द टेक्स्ट फाइल वी कैन रीड, देर आर 3-4 मेथड्स दैट वी कैन रीड द होल फाइल, दैट वी कैन रीड 1-1 कैरेक्टर, दैट वी कैन रीड 1-1 लाइन, देन वी कैन रीड ऑल लाइन्स एट द सेम टाइम। बट इन पिकल ऑब्जेक्ट देर इज वन मेथड दैट इज अ लोड, सो इट लोड्स ऑल द कंटेंट ऑफ द फाइल इन टू ए सिंगल ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें हम लोग वन कैरेक्टर कैरेक्टर रीड नहीं करते, बिकॉज सब कुछ क्या होता है, बाइट स्ट्रीम होती है, ओके। 1000001001 ऐसे क्या होता है, कंटिन्यू एक स्ट्रीम होती है, और विद देन वी कैन नॉट कन्वर्ट इन टू द एक्चुअल डेटा, ओके। सपोज आपने फर्स्ट टू बाइट्स भी रीड कर लिया, सो फर्स्ट टू बाइट देन वी कैन नॉट प्रेडिक्ट पर्टिकुलर फर्स्ट टू बाइट में क्या है, ओके। सो व्हेनेवर वी रीड फ्रॉम द बाइनरी फाइल थ्रू द पिकल, देन इट loads all the content, okay. So all the contents हम अपने किसके अंदर लोड करेंगे, now we will not create any object. अब हमने क्या लिया, l equal to, कुछ भी हम यहाँ ले सकते हैं, ठीक है, not l, l equal to pickle dot load, कहाँ से लोड करना है, f से लोड करना है। So f के अंदर जो भी है, ठीक है, वॉट एवर द f contain, it will load into the l, okay. Now प्रिंट एल, क्या किया, एल को प्रिंट किया। सो व्हेन वी प्रिंट द एल, आपको आउटपुट क्या मिलेगा, दिस इज द आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट जो हमें चाहिए था, ओके। सो यहां पर वन मोर थिंग, सपोज मैंने यहां पर बी फाइल वन किया, ओके। अब देखना है कि भाई सपोज फाइल अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया, हाउ टू लोड, हाउ टू डंप। सो आप कुछ भी डंप कर सकते हैं एंड देन कुछ भी रीड कर सकते हैं, ओके। सो लोड एंड देन डंप। नाउ सिंपल थिंग, द नेक्स्ट प्रोग्राम, सपोज वी आर गोइंग टू डंप 2-3 ऑब्जेक्ट, ओके। एक लिस्ट हो गया, एक और लिस्ट हो गया, सपोज वन मोर लिस्ट, ओके, 34, 56, देन दिस वन, ओके। नाउ आप मुझे डंप करना है तो मुझे 2 टाइम डंप करना होगा, वन हमने डंप किया एल को, द नेक्स्ट टाइम वी विल डंप L1, ठीक है, दोनों को डंप कर दिया एंड देन क्लोज कर दिया, देन वी रन इट, ओके। इस फाइल को अगेन हम लोग यहाँ पर देखते हैं, सपोज देन उस फाइल को अगेन हमने देखा कि कुछ चेंज हुआ क्या, देन वी ओपन इट फिट, ओके, देन कुछ कुछ चेंज हुआ है, ठीक है। सो इफ यू रीड इट अगेन, इसके थ्रू सेम, सो हमने इसको रीड किया, ओके। सो इफ यू प्रिंट एल, इसने क्या प्रिंट किया, ओनली द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ओके, सेकेंड ऑब्जेक्ट को रीड नहीं किया। सो इट रीड ऑब्जेक्ट बाई ऑब्जेक्ट एक्चुअली। सो सपोज हमारे पास फर्स्ट लिस्ट है, फर्स्ट लिस्ट कंप्लीट रीड कर लेगा, सेकेंड लिस्ट रीड करने के लिए अगेन मुझे क्या करना होगा, वी हैव टू अगेन लोड इट, ठीक है। सो आपने F1 L किया, L1 किया, नाउ वी आर गोइंग टू रीड बोथ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो कहने का मतलब है, इट रीड ऑब्जेक्ट बाय ऑब्जेक्ट, नॉट दी वैल्यूज बाय वैल्यूज। सपोज हम लोग यहाँ से एक वैल्यू कम कर देते हैं, ओके, द फर्स्ट लिस्ट कंटेन ओनली 2 वैल्यूज एंड देन इट रीड 2 वैल्यूज एट द सेम टाइम, ठीक है। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, डबल डबल फाइल को, मतलब
इट रीड ऑब्जेक्ट बाई ऑब्जेक्ट. सो फर्स्ट ऑब्जेक्ट हुआ, देन इट रीड द सेकेंड ऑब्जेक्ट. सो फर्स्ट ऑब्जेक्ट आपका कितना भी बड़ा है, इट विल रीड द कंप्लीट कंटेंट ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट का मतलब है कि लिस्ट वन लिस्ट टू. तो नॉट द लिस्ट वन लिस्ट टू, सपोज हम लोग यहाँ पर एक डिक्शनरी बना लेते हैं, ठीक है. सपोज इफ यू मेक वन डिक्शनरी डी इक्वल टू सपोज रोल नंबर, ओके रोल नंबर वन, नेम सपोज नेम हेमंत, ओके. नाउ आई वांट टू रीड राइट दिस डिक्शनरी इनटू द फाइल. सो अगेन आई यूज पिकल डॉट डम्प. किसको डम्प करना है, डी को. किसके अंदर, एफ के अंदर, ओके. नाउ वी रन इट अगेन. अब यहाँ पर लोड करना है, देन अगेन हम लोग लोड कर सकते हैं. सपोज एल थ्री इक्वल टू पिकल डॉट लोड, ओके. वी यूज द सेम थिंग. देन अगेन आई प्रिंट एल थ्री, सॉरी, ओके. सो नाउ इट प्रिंट द डिक्शनरी. कहने का मतलब है दैट वी आर यूजिंग द लोड 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 थ्री टाइम्स. सो कैन वी यूज द लूप, क्योंकि sometimes suppose I don't know how many objects particular file contain, so in this case we can use the loop, okay. अब loop को कैसे use करना है, ठीक है, loop को कैसे use करना है. So last time हमने देखा था कि how we use the loop. So suppose हमने l equal to लिया, यहाँ पर blank लिया, ठीक है, एक space लिया, then हमने use किया था, क्या use किया था, while, okay, l, then L dot load. Now we are going to print this L only. ठीक है, ये हटा दें. Okay, now we run it. Okay, run out of input. L pickle dot load F. Why? इस पे काम करते हैं, load रखते हैं, okay. Now we are using, ठीक है. So while true, we use try. हम लोग यहाँ पर try and accept use करेंगे, ठीक है. इसका एडवांटेज मैं आपको बताऊंगा क्या होता है. नाउ यूज एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट, देन वी प्रिंट एक्सेप्ट, देन वी यूज डॉट क्लोज, ओके, एंड देन प्रिंट एंड फाइल, ठीक है, द फाइल और फाइल नॉट अवेलेबल. So if you use it, it's the end of file or file not available. When? So if you use this, now while true, F equal to pickle dot load F, then print L, except the dot close, okay. Usko humne run kiya, usko run kiya, file not available, but it's not printing. Same loop hum log use kar rahe hain. F dot open read B while true, while F kare isko. Yes. ठीक है. सो हमने क्या यूज किया, वाइल एफ नॉट ट्रू, ओके. इससे भी चलना चाहिए था एक्चुअली, सॉरी ट्रू, देखते हैं, ओके, वाइल ट्रू इससे भी चलेगा. स्टार्टिंग में, ओ सॉरी, हमने क्या कर दिया था, ट्रू शायद स्मॉल लिखा था, नहीं,
यस, देन एरर जनरेट हो रहा था, लेकिन ट्राई एंड कैच के थ्रू वो डायरेक्ट कहाँ पर जा रहा था, उधर जा रहा था, वाइल ट्रू. ओके, सो ट्रू स्मॉल था, सो आइदर वी कैन यूज वाइल एफ, ओके, और वी कैन यूज वाइल ट्रू. ठीक है, नाउ ये प्रिंट हो रहा है. ठीक है, ये क्यों प्रिंट हो रहा है? बिकॉज अब क्या हो रहा है, फाइल जब क्लोज हो रही है सो ये आपका प्रिंट हो रहा है. सपोज आपको इसको प्रिंट नहीं करना है, ओके, सो इन दिस केस सपोज इसको हमने यहाँ पर हटा दिया. ठीक है, नाउ कौन सा है, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट. ओके, इन सबको स्टार्टिंग में लेके आते हैं. ठीक है, नाउ दिस वन, दिस वन, दिस वन, ओके, द सेम थिंग वाइल ट्रू. ओके, वाइल एफ, एरर जनरेट हो रहा है, रन आउट ऑफ इनपुट. देन इस केस में आपको मेंट ट्राई टेस्ट यूज करना होगा, देयर इज नो अल्टरनेट. ठीक है, सपोज वी यूज एफ वन. ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग कोई फाइल रीड करते हैं एंड देन फाइल नॉट फाउंड एरर आती है. ओके, इट्स फाइल नॉट फाउंड एरर. सो यदि हम लोग यहाँ पर स्पेसिफाई करें कि फाइल नॉट फाउंड एरर हो तभी यहाँ पर एरर जनरेट हो, अदरवाइज नॉट जनरेट एनी एरर एक्सेप्ट फाइल नॉट फाउंड एरर. ओके, देन विल जनरेट ओनली द करंट आउटपुट. ओके, फाइल नॉट फाउंड, नाउ व्हाट इज दिस, अभी क्या चेंज किया, चलिए कुछ ही नहीं किया, क्यों आ रहा है एरर आ रहा है. फाइल नॉट फाउंड एरर एक्सेप्ट. ओके, फाइल नॉट फाउंड एरर एंड वी आर ट्राइंग टू क्लोज इट. फाइल पिकल डॉट लोड एट, सही तो करते हैं, लोड ही तो करता है, पिकल डॉट लोड एट. ओके, प्रिंट एल, देन इक्वल टू पिकल एफ. हटा देते हैं. ठीक है, इसको देखेंगे हम लोग कैसे करना है. ठीक है, कुछ इश्यू आ रहा है, चेक इन द नेक्स्ट प्रोग्राम. सो बेसिकली थिंग ये है कि हमें क्या करना है, पिकल ऑफ दिस यूज करना है, पिकल डॉट लोड एफ. ओके, तो मल्टीपल आइटम्स जब आपके पास वो अवेलेबल हैं देन वी विल चेक. ठीक है, सो यहाँ पर एक एंड ऑफ फाइल एरर जनरेट होती है. ठीक है, कहाँ पर एंड ऑफ फाइल जनरेट होगी, सपोज वी रीड वन मोर फाइल. यहाँ पर हमने कितने टाइम रीड किया था, 3 टाइम रीड किया था, है ना. व्हेन वी यूज वन लोड एफ, सपोज यहाँ पर हमने एक बार और लोड एफ किया. ओके, देन ये क्या जनरेट करेगा, यहाँ पर एरर क्या जनरेट हुआ, नो सच फाइल और फाइल, तो दे फाइल. ओके, इफ वी आर यूज, वी यूज टू एस एस, ठीक है, कोई एरर जनरेट नहीं हो रहा. ओके, कितनी भी बार हम लोग एल यूज करते हैं एरर जनरेट नहीं हो रहा, यहाँ क्यों हो रहा है, पिकल डॉट लोड है. ओके, विल सी क्या एक्चुअली प्रॉब्लम है. ओके, सो मेन थिंग अब हमें करना क्या है, अच्छा ये क्लियर है हम लोग किस पे कंसंट्रेट कर रहे थे. फर्स्ट थिंग, आपने एक लिस्ट राइट किया, एक लिस्ट को रीड किया.
फिर हमने वन लिस्ट टू लिस्ट वन डिक्शनरी राइट किया, देन ऑल वी रीड बाय यूजिंग द लूप. ओके, अदरवाइज आप लोग इसको वन बाय वन भी कर सकते थे. तो ट्राई एंड केस क्या है, ट्राई एंड एक्सेप्ट क्या है? सो ट्राई इज द कोड वी जनरेट द एरर. ठीक है, सो ट्राई वो कोड है जो कि आपका एरर जनरेट करेगा, और एक्सेप्ट जैसे ही कोई एरर जनरेट होगी देन इट विल गो इनटू द पर्टिकुलर सेक्शन. सो यहाँ इस पर्टिकुलर कोड में कहीं भी एरर जनरेट होगी इट विल गो टू द एक्सेप्ट सेक्शन. ठीक है, तो ये इसका बेसिक पर्पस है. नाउ अब हमें क्या करना है कि सपोज किसी डेटा को या फाइल को हमें क्या करना है, अपडेट करना है. ओके, अपडेट करना है, या फिर सपोज क्या करना है, किसी एक फाइल का कंटेंट किसी दूसरी फाइल में मुझे राइट करना है. नाउ आई वांट टू राइट कॉपी द कंटेंट ऑफ वन फाइल टू अनदर कंटेंट. ठीक है, नाउ कॉपी द कंटेंट ऑफ कंटेंट ऑफ फाइल वन टू फाइल टू. ठीक है, कॉपी द कंटेंट ऑफ फाइल वन टू फाइल टू. अब सपोज हमारे पास ये वी फाइन आई डी है, मुझे इसका एक वी फाइन भी वन बनाना है. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, क्या करते हैं, एक फाइल को रीड करना है और सेकेंड फाइल में हमें राइट करना है. ओके, सो वी ओपन, फर्स्ट आपने वी फाइल ओपन किया इस मोड में, रीड मोड में. ठीक है, हमने फाइल किस मोड में ओपन करेंगे, नाउ विल ओपन द एफ वन. ओके, विल ओपन द बाइनरी फाइल वी फाइल टू. ओके, सो सपोज इफ यू यूज वी फाइल टू डॉट डेट. नाउ इस फाइल को हम लोग किस मोड में ओपन करेंगे, राइट मोड में, क्योंकि मुझे किस मोड से कॉपी करना है, इस फाइल से कॉपी करना है और इस फाइल में राइट करना है. तो ये वाली फाइल हम लोग रीड मोड में करेंगे, इस फाइल से हमें रीड करना है, इस फाइल में मुझे राइट करना है. ओके, सेम थिंग. सो नाउ अब हमने यहाँ पर लोड किया एंड इंस्टेड ऑफ द प्रिंट, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंट हम लोग कहाँ पर करते थे, स्क्रीन पर, लेकिन अब मुझे क्या करना है, राइट. सो नाउ आई यूज पिकल डॉट डम. किसको डम करना है, एल को. किसके अंदर डम करना है, एफ वन के अंदर. ओके, द सेम थिंग. ठीक है, आपने लोड किया कहाँ से, एफ से. एफ से रीड करेगा और किस में रीड किया, एल में रीड किया. फिर इस एल को हमने क्या किया, एफ वन के अंदर राइट कर दिया. एफ वन क्या है, आपकी बाइनरी फाइल टू है. ठीक है, प्रोग्राम आपका क्लोज हो गया. नाउ अगेन अब इस फाइल को मुझे रीड करना है. ठीक है, इस फाइल को आपकी फर्स्ट वाली फाइल पर. ठीक है, तो बी फाइल को हमें रीड करना है. नाउ अगेन द सेम प्रोग्राम, हमने इसको रीड किया, नाउ वी चेंज बी फाइल टू. ठीक है, सब कुछ वही है, फिर चेंज इट, देखें इसके अंदर क्या राइट हो रहा है. बी फाइल टू था, बी फाइल टू डॉट डेट. इसके हिसाब से कुछ भी राइट नहीं पिकल डॉट डम एल एफ वन. ओके, क्या हम लोग इसको ओपन करके देखें, ये फाइल टू बना तो है, इट्स जीरो बाइट, मतलब कुछ भी कॉपी नहीं हो रहा है. ओके, फर्स्ट पार्ट में ही आपका एरर जनरेट हो रहा है, कुछ तो हम लोग गलत कर रहे हैं, इसको रीड करना है. ठीक है, पहले प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम लोग. ये कैसे प्रिंट हो रहा है फिर. ठीक है, इसको फिर से देखते हैं. ओके, सो राइट लेट ओपन रीड बी उसको हटाया सपोज वाई टू. ये हमें वो देना है. नाउ
एस डॉट क्लोज, ठीक है, लास्ट में. नाउ रेन आउट ऑफ इनपुट व्हाट इज रेन इनपुट, ओके देखो थोड़ा सा कुछ हो रहा है डिफरेंट है. ओके वी आर यूजिंग प्रिंटिंग एल्स. Equal to load from the SQL simple to the load. अच्छा फर्स्ट ऑब्जेक्ट लोड हो गया, फिर सबमिट किया, सेकेंड ऑब्जेक्ट लोड हो गया. ओके सो पिकल डॉट लोड, पिकल डॉट लोड, पिकल डॉट लोड थ्री टाइम्स. क्या हम लोग इसको लूप में नहीं ले सकते? फॉर ओके जीरो टू टू जीरो वन टू थ्री थ्री टाइम्स, ठीक है. नाउ यू सी क्या होगा, सपोज इसको हमने इसके अंदर लिया, नाउ यू कॉपी दिस. ठीक है ऐसे लोड होता है, बट हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें थ्री ही ऑब्जेक्ट है. नाउ 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 ठीक है, लूप काम कर रहा है, फॉर लूप काम कर रहा है, कैन बी यूज व्हाइल लूप, व्हाइल वाइल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. ओके जैसे वाइल लूप रन हो रहा है क्रिएटिंग प्रॉब्लम वाइल वाइल रन आउट ऑफ इनपुट. कोई इश्यू है इसमें? सो अभी हम लोग जैसे ज़ूम करते हैं कि हमारे पास क्या है, देयर आर थ्री ऑब्जेक्ट. ओके इसी पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं. सो उसको हम लोग वाइल लूप करके कल देखेंगे कि वाइल लूप में क्या इश्यू आ रहा है. ठीक है सो थ्री ऑब्जेक्ट हमें क्या करना था, रीड करना था, राइट करना था. नाउ द सेम हमें क्या करना है, वन फाइल से राइट करना है, सेकेंड फाइल में राइट करना है. ओके सो वी आर यूजिंग दिस फॉर लूप इन दिस कोड. ठीक है सो नाउ इसकी जगह पर हमें क्या करना था, वी आर यूजिंग पिकल पी आई पिकल डॉट डम. ठीक है जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमें एक फाइल से रीड करना है, सेकेंड फाइल में राइट करना है. ओके डम परफॉर्म किया, नाउ यहाँ पर डंप हो गया होगा. नाउ वी आर यूजिंग द सेम थिंग. ओके अब हमें क्या करना है, वी फाइल टू को रीड किया, वी फाइल टू को हमने रीड कर लिया. ठीक है सो सारा डेटा कॉपी हो गया, यानी कहा मतलब था हमने एक फाइल से रीड किया और सेकेंड फाइल में राइट कर दिया. ठीक है
सो अब सपोज ये होता है कि अब मुझे किसी का नेम चेंज करना है. सपोज आई वॉन्ट टू चेंज द नेम, इस एम एल की जगह पर मुझे कुछ करना है, समथिंग जमा करना है. ठीक है, सो अब हम लोग इसको कैसे चेंज करेंगे, हाउ वी कैन चेंज इट. सो हाउ टू अपडेट ए बाइनरी फाइल एक्चुअली, देन सिंपल हम लोग क्या करेंगे, हाउ टू अपडेट ए बाइनरी फाइल. ठीक है, सो बाइनरी फाइल को अपडेट करने के लिए नाउ वी कैन नॉट यूज द CGCP. ठीक है, तो ये कर क्या रहा है एक्चुअली, इट्स क्या कर रहा है, पूरा कंटेंट चेंज कर रहा है. फर्स्ट थिंग कि जब भी हम लोग लोड करते हैं तो ये पूरा ऑब्जेक्ट ही रीड करता है. वी कैन नॉट रीड द इंडिविजुअल की मुझे सिर्फ रोल नंबर रीड करना है, सिर्फ नेम रीड करना है. ठीक है, तो जब भी हम लोग क्या करेंगे, इसको रीड करते हैं, देन इट रीड द होल कंटेंट ऑफ द फाइल, होल कंटेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट का मतलब है तो सपोज कोई डिक्शनरी है तो डिक्शनरी फुल रीड करेगा. ठीक है, सो कॉन्सेप्ट ये है कि दैट वी कैन नॉट चेंज द इंडिविजुअल बाइट, वन और जीरो को हमने वन कर दिया या वन को जीरो कर दिया. ठीक है, सो हमें क्या करना होगा, इस पूरे कंटेंट को हम लोग रीड कर रहे हैं. देखो हमने यहाँ पर रीड किया है, सो हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली. सो हमें करना क्या है कि इस फाइल को यहाँ पर रीड किया. ठीक है, सो अब हम लोग, मुझे पता है कि डिक्शनरी कहाँ पर है, थर्ड ऑब्जेक्ट है. डिक्शनरी कहाँ है, डिक्शनरी इज योर थर्ड ऑब्जेक्ट. ओके, सो अब हमने इसको रीड किया. ठीक है, थ्री टाइम हमने इसको रीड किया. तो फर्स्ट टाइम आपने इसको रीड किया, सो सपोज R1 = ओके पिकल डॉट वॉट लोड. ठीक है, हमने एफ को लोड किया तो क्या हुआ, आपका फर्स्ट लिस्ट कॉपी हुआ, फर्स्ट लिस्ट कॉपी हुआ. सेकेंड R2 के अंदर क्या कॉपी हुआ, सेकेंड लिस्ट कॉपी हुआ. नाउ इफ यू आर यूजिंग द थर्ड R3, इसके अंदर आपका डिक्शनरी कॉपी हुआ. सो ऑन द डिक्शनरी अब आपने क्या किया, ठीक है, इसका नेम चेंज करना है. सो नेम चेंज करने के लिए R3 नाउ वी यूज. ओके, पता है आपको कैसे चेंज करते. सो डिक्शनरी का नेम मैंने चेंज कर दिया, नाउ आई चेंज. ठीक है, कंप्लीट. नाउ अब इस फाइल को मुझे फिर से क्या करना है, राइट करना. सो इस फाइल को मैंने क्लोज किया. ओके, अगेन इस फाइल को मैंने ओपन किया. ठीक है, किस मोड में ओपन करेंगे, राइट मोड में. सो राइट मोड क्या करता है आपको पता है, राइट मोड इरेज द कंटेंट ऑफ द फाइल दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट. ठीक है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है उस फाइल को, कंटेंट को इरेज कर देता है. सो अगेन वी ओपन द फाइल इन राइट मोड एंड देन अगेन वी राइट द सेम थिंग. देयर इज नो वे टू अपडेट द इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ फ्रॉम द फाइल. हमें क्या करना है, फुल कंटेंट को लोड करना है, कंटेंट को आपने चेंज किया एंड देन अगेन वी राइट द होल कंटेंट एंड दिस वे वी कैन अपडेट द बाइनरी फाइल. सो अब होल फाइल अपडेट करना है. ठीक है, सो पहले हमने रीड किया, नाउ वी आर गोइंग टू राइट अगेन. ठीक है, सो राइट करने के लिए द सेम थिंग, पिकल डॉट डम. ठीक है, पिकल डॉट डम, डम हमने क्या यूज करना है, R1 इसके अंदर करना है, एफ के अंदर. ठीक है, सो पिकल R2 देन R3 देन F2 क्लोज. ठीक है, सो अब यदि हम लोग इस फाइल का डेटा देखेंगे कि मेरे पास डेटा क्या है, then we read the whole content again, then we'll see कि हमें जगह पर क्या हो गया, हेमा हो गया. ठीक है, कहने का मतलब है वी कैन नॉट चेंज द इंडिविजुअल वैल्यू, जिससे हमने बाइनरी फाइल टेक्स्ट फाइल में किया था. ठीक है, टेक्स्ट फाइल में हमने क्या किया था, इंडिविजुअल वैल्यू को चेंज कर दिया था विदाउट रीडिंग, विदाउट डिस्टर्बिंग द ऑल अदर कंटेंट. बट इस केस में हम लोग क्या करेंगे, होल फाइल का कंटेंट अपने ऑब्जेक्ट में लिखे आएंगे, मेमोरी में लिखे आएंगे, तो चेंज करेंगे एंड देन अगेन वी राइट द होल कंटेंट ऑफ द फाइल. ठीक है, फाइल में इंडिविजुअल हम लोग चेंज नहीं कर सकते.
ओके। तो ये हो गया आपका अपडेट, ठीक है, कुछ भी इट्स अपडेट एक्चुअली, आपको वैसे ही करना है। तो नेक्स्ट थिंग हम लोग देखेंगे, कल देखेंगे हाउ टू डिलीट ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, आपको किसी एक ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है, ठीक है, या फिर सर्च करना है, अपेंड करना है, ये हम लोग कल देखेंगे, ठीक है, ओके ओके सर। सो कल वाला आपने देखा, वीडियो देख लिया था,